हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे। इसका नाम अंकित सिंह, जैसे कि आप सभी को पता है मेरा भी नाम अंकित है। स्टूडेंट चैनल पे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना यार। और एम एच सी टी 2022 के स्टूडेंट हो यार, 2 दिन खत्म हो चुका है, आज डे 3 है, पेपर लगभग स्टार्ट होने ही वाला है डे 3 का भी। और अब आपको जो मैं यार कुछ शिफ्ट के एनालिसिस बताऊंगा यार, लगभग सारी शिफ्ट के एनालिसिस बताऊंगा और क्या सेफ स्कोर रहा था वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो जैसे कि आपको बता दूं यार, पहले दिन जो था पेपर हमको देखने मिला मॉडरेट तक था, इजी से मॉडरेट पे था, ज़्यादा टफ नहीं गया। फिर अगले दिन जब डे 2 हुआ, डे 2 में पहला पेपर जो था वो एकदम मॉडरेट से, मतलब मॉडरेट लेवल का था, ठीक है। पहले में इजी से मॉडरेट था अगस्त 5th में, और अगस्त 6th में होते होते मॉडरेट पे आ गया। पर जब अगस्त 5th 6th का सेकेंड शिफ्ट हुआ तो वो डिफ़िकल्ट सेक्शन तक गया, मतलब पेपर जो थे डिफ़िकल्ट भी हो गए, ठीक है। तो क्या होगा सर सेफ स्कोर की, अब इतना तो एक्सपेक्ट करें कि इतने पे हमको कुछ अच्छा मिल जाए। तो देखो स्टूडेंट, सेफ स्कोर ये आप पे डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा लाओगे उतना अच्छा है। तो जैसे कि मैंने दिखाया है पेपर की डिफ़िकल्टी भी दिखाई है, और इधर लिखा है गुड अटेम्प्ट एंड ईच सेक्शन। तो गुड अटेम्प्ट क्या है, गुड अटेम्प्ट है 80 to 100। अगर आप ये चारों पेपर में 80 से 100 मार्क्स तक लेके आ जाते हो, ठीक है, अगर 80 से 100 मार्क्स आ रहे हैं आपके तो इसको एक गुड अटेम्प्ट बोला जाएगा स्टूडेंट, और आप एक कॉलेज डिजर्व कर जाओगे, ठीक है। तो यही मैं स्टूडेंट चाह रहा हूँ कि आप 80 तो लेके आओ, फिर उसके बाद कॉलेज की जिम्मेदारी मेरी होगी स्टूडेंट। मैं आपको अच्छे से गाइड करूँगा, मैं जो बोलूँगा वही कॉलेज अगर आप फिल करोगे अपने फॉर्म में तो आपको ज़रूर कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। बस आपके एक बार मार्क्स आ जा रहे दो, तो 80 मार्क्स आपको स्कोर करना ही है, और 80 से जितना अबव आता है आपको क्या प्रॉब्लम है, आप 100 लाओ 150 लाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, 80 के अबव लाओ, ठीक है। बाकी थोड़ा सपोर्ट मुझको भी दिखाओ स्टूडेंट, वीडियो एड करते हैं, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, वीडियो एड करते हैं, थैंक यू।